रिश्वत में अस्मत मांगने के आरोप में बर्खास्त आरपीएस कैलाश बोहरा के परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है, जहां उन्होंने एसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कैलाश बोहरा के परिजनों ने पीड़िता पर ब्लैकमेल कर मामले में बरी करवाने की एवज में पैसा मांगने के आरोप लगाए हैं। शहर के रिजी होटल में प्रेस वार्ता कर कैलाश बोहरा ने परिजनों ने पीड़िता और उसके सहयोगियों के साथ बातचीत के साक्ष्य देते हुए मामले में एफआईआर दर्ज करवाई है। परिजनों ने आरोप लगाया कि मामले में पीड़िता और उसके सहयोगी मामले में बरी कराने की एवज में 51 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए की मांग कर ब्लैकमेल कर रहे हैं। वहीं दबाव बनाने के लिए पीड़िता कोर्ट में बयानों के लिए उपस्थित नहीं हो रही है। आपको बता दें कि करीब 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, अभी तक कैलाश बोहरा जेल की सलाखों के पीछे है। फ्री समान रूप से कोई भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है जिसका रजिस्ट्रेशन फ्री है। इसने केथुनीपोल में मेरे चाचा के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया जरिए ईमेल से सर, और उसकी एफआईआर नंबर भी है हमारे पास, उसकी एफआईआर रिपोर्ट भी हमारे पास, जरिए ईमेल उसका एफआईआर दर्ज हो रहा है और हम वहां जाके उपस्थित हो रहे हैं, और जिसे परिवाद में कन्वर्ट कर दिया गया है। आप ये सोच सकते हैं ब्लैकमेलिंग चीज जो है 385, 384, 389 जो बन रही है वो एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, जिसे परिवाद में ये दर्ज ही नहीं कर सकते हैं। तो ये एफआईआर में दर्ज क्यों नहीं कर रहे हैं, हमें उसका कारण पूछना है उनसे। मेरे पति को झूठे षड्यंत्र में फंसा के झूठे आरोप लगा के 14 महीने से वो जेल में है सर, और हमारी कोई सुन नहीं रहा है। मैं खुद मुख्यमंत्री जी के पास गई, डोडासरा जी के पास में गई, और भंवर सिंह भाटी जी के पास में गई, डीसीपी सर के पास में भी गई। मैंने कहा सर अगर हम गलत हैं, मेरे हस्बैंड गलत हैं, अगर वो गलत हैं तो आप उनके पोलोग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट करवाइए। अगर मैं गलत हूँ तो मैं ये क्यों टेस्ट करने के लिए डिमांड क्यों करूँगी सर। मेरे पति को 35 साल से मैं जितना जानती हूँ उतना कोई नहीं जानता है।